أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا

इस साल का सेंट्रल थीम ह्यूमन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर इसके हवाले से इंशाल्लाह शुरान मजीद की आयतों में हमारे लिए जो रहनुमाई मिलती है उस पर गुफ्तगू होगी उससे कबल हम आज के पहले जिसके मजामीन पर एक नज़र डालते हैं ये जो पहला पारा है इस पारी की शुरुआत सूर फातिहा से है जो अपने आप में एक मुकम्मल सूरत है जो पहली सूरत नबी करीम अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इसमें बंदा अल्लाह से दुआ करता है और चाहता है कि दुनियावी ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई हो और चाहता है कि दुनियावी ज़िंदगी में उसे गाइडेंस मिले उसे रहनुमाई मिले अल्लाह जवाब में पूरा कुरान मजीद नाजिल करता है और कहता है कि तुमने जो हिदायत तलब की लो ये क़ुरान हाजिर है फिर उसके बाद दूसरी सूरत शुरू होती है सूरह बकरा जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है उसका एक हिस्सा अलिफ, लाम मीम पारे में आया है इस पारे के अंदर सूरह बकरा में जो मजामीन आए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं इंसानी शख्सियत ह्यूमन पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वजह किए गए जो नज़रियात वजह किए गए उनमें से ट्रेड एंड टाइप थ्योरी कहते हैं यानी इंसानी शख्सियतों को जुमरों में तकसीम किया जाता है अगर टाइप की बात कहेंगे तो जैसे एक्स्ट्रावर्ट इंट्रोवर्ट ये दो टाइप्स में इंसानों को तकसीम करते हैं या ये कि सैनगविन पर्सनालिटी मेलंकोलिक पर्सनालिटी खुशबाश मिजाज के अफराद और अफसरदा मिजाज के अफराद ये टाइप्स होते हैं यहाँ इसी पारे की शुरुआत में कुरान टाइप्स जो पेश करता है इंसानों को तीन ज़ुमरों में तकसीम करता है और वो ज़ुमरे ईमान की बुनियाद पर हैं मगरिब के साइकोलॉजी के नज़रियात घड़ने वाले और इजाद करने वाले क्योंकि अक्सर वो बेशर एथिस थे तो उन्होंने इंसानों की शख्सियतों को जो तकसीम किया वो मादी बुनियादों पर है कुरान इंसानी शख्सियतों के तीन ज़ुमे बताता है नंबर एक बिलीवर्स खुदा पर ईमान रखने वाले हदलमत अल्लीन यून अबिल गैब गैब पर ईमान रखने वाले और उनके बारे में अल्लाह तबारक व तैयार ने फरमाया कहमुलमफल हूं यही लोग कामयाब होने वाले हैं पर्सनालिटी की दूसरी कैटेगरी वो है इनदीन कफर नॉन बिलीवर्स हक़ को छुपाने वाले, हक़ का इनकार करने वाले, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया खत्म अल्ला खलो बम उनके दिलों पर मोहर लग गई है अब अपने दिलों से इस कायनात की राज को वो पा नहीं सकते वो ख़ुदा की हकीकत को तलाश नहीं कर पाते और तीसरी कैटेगरी वो वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया

इनके बारे में कहा गया कि ये डुअल फेस्ड लोग होते हैं और ये हार्ट इनके डिस होते हैं इनके दिलों में बीमारी लगी हुई है तो ये तीन ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स और डुअल फेस्ड पर्सनालिटीज और तीनों का अंजाम भी बताया गया एक फलाह पाने वाले एक के दिलों में मोहर लग गई है और एक के दिलों में बीमारी है फिर अल्लाह ने ट्रेड्स की बुनियाद पर सिफात की बुनियाद पर खसूसियात की बुनियाद पर इंसानों को दो और बड़े कानों में तकसीम किया जैसे कि साइकोलॉजी में बताया जाता है विलफुल डिटर्मिन आजम वाला या जिद्दी जो इंसानी सिफात में नुमाया सिफात होते हैं उनकी बुनियाद पर शख्सियतों की तकसीम होती है कुरान ने अमल की बुनियाद पर सिफात की बुनियाद पर पूरी इंसानी ज़िंदगी को दो बड़े ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में तकसीम किया एक हैं मुतकीन जो हदूद आश्ना होते हैं जो अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं जो माइंडफुल ज़िंदगी बसर करते हैं और एक हैं فاسقين transgressors حدود کو توڑنے والے قرآن کہتا ہے يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض तीन उनकी सिफात हैं जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं जो ट्रांसग्रेसर्स होते हैं जो हदूद ना आशना होते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ने वाले जिन रिश्तों को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें वो काटते हैं और जमीन में फसाद बरपा करते हैं खवातिनो हजरात शुरुआत में पर्सनैलिटी के ये पांच कैटेगरीज का तस्करा मिलता है उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा बयान किया क्योंकि आज हम उसी पर बात करेंगे इस शुफु के अगले हिस्से में उसी को हम खोलेंगे। फिर उसके बाद पूरी एक कम्युनिटी की साइकोलॉजी पर अल्लाह ने गुफ्तु की बनी इसराइल का किस्सा बयान किया रुकू नंबर पांच से लेकर इस जुस के अख्ताम तक के उस कौम को अल्लाह ताली ने पे दर पे रहनुमाई फराहम की अंबिया भेजे लेकिन उनका मिजाज ये था उन्होंने बछड़े को मबूद बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी वो अल्लाह ताला के तहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे और जब भी उन्हें कोई हुक्म दिया जाता सवालत पर सवाल खड़े करते जितने नबी आए उनकी तालीमात के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया बाज नबियों को उन्होंने कत्ल किया उनका मामला यह था कि अल्लाह ताला की आयत को बेच खाते थे यानी यह कि उससे दुनिया कमाते थे उनके मिजाज के अंदर हिदायत से दूरी पैदा होती चली गई और जादू से उनकी दिलचस्पियां बढ़ गईं ये सब वाक़े अल्लाह ताला ने बयान किया और बार बार उन्हें दावत दी गई कि नबी करीम वसल्लम पर जो किताब नाजिल हो रही है उस पर वो ईमान ले आए लेकिन उन्होंने मान कर नहीं दिया फिर उसके बाद इस पारे के अख्ताम पर अल्लाह तज़रत इब्राहीम का किस्सा बयान किया और यह बताया व इतबलाब्राहिमा रबीमत इनफ आत्म अल्लाह तजरत इब्राहिम को इम्ताना से गुजारा इब्तला से गुजारा मुश्किलात से गुजारा और उसके बाद जाकर उन्हें दुनिया का इमाम बनाया फिर हजरत इब्राहीम और इस्माइल दोनों को अल्लाह ताला ने काबतुल्लह की तामीर का हुक्म दिया और दोनों ने मिलकर काबतुल्लाह की तामीर की एक बाप अपने बेटे की किस तरह से तरबियत करता है नेक कामों में उसे पार्टिसिपेट कराता है दुआ में उसे शरीक रखता है ये सब बातें हमें इन आयतों से समझ में आती हैं इस तरह से इस जुज पर हमने एक नजर डाली है अब आते ही आज के मौजू पर खुतिन हजरात जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली स्पीच में बताया कि हम इस रमज़ान ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पर बात करेंगे उसे समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग कौन है इंसान कौन है उसकी शख्सियत और उसकी फ़ितरत और उसकी हैसियत को जानना ज़रूरी है इस जज् के अंदर रुकू नंबर चार में आयत नंबर तीस से उनचालीस तक थर्टी से थर्टी नाइन तक अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक का किस्सा बयान किया और यह फरमाया वज रबुकमती इन्नी जाइलुन जा खलीफा फ़रिश्तों की मजलिस में अल्लाह ताला ने अपना एक ग्रैंड मंसूबा पेश किया और कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ खलीफा से मुराद क्या है खलीफा की सिफात क्या होंगे खलीफा दुनिया में जाने के बाद क्या करेगा ये आइडिया जब उनके सामने आया तो फरिश्तों को एप्रीहेंशन हुआ और कहा कि इस तरह की मखलूक अगर दुनिया में जाएगी तो खून खराबा करेगी फसाद करेगी मगर अल्लाह ने उन्हें बाद में बताया कि हम उसे एक यूनिकनेस के साथ दुनिया में भेज रहे हैं आदम कुल्ला हम नॉलेज देकर भेजेंगे तब फरिश्तों ने कहा कह परवरदिगार तू ज्यादा बेहतर जानता है हम तेरी तहमीद तकदीस व तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा कि मैंने जो तुम्हें नाम सिखाए हैं वो इल्म का इजहार करो हजरत आदम ने नामों को बयान किया फरिश्तों से पूछा कि क्या तुम ये बयान कर सकते हो वो बयान करने से आजीज रहे फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों से कि आदम के सामने सजदा करो उसी जुमरे में उसी मजलिस में इबलीस भी था उसने इनकार कर दिया कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा उसके बाद अल्लाह तदम व हव्वा से कहा के जन्नत में जाओ और वहां जाकर जन्नत में जहां चाहे क़याम करो और जो चाहे खाओ पियो सिवाय इस दरख्त के शैतान वहां पहुंचा फ़अज़ल्लहुम शैतान यानी यह है कि शैतान ने उन्हें फिसलाया जे लाम लाम के मादे से अजल्लतु का मतलब है अन इंटेंशनली स्लिप हो जाना जल्दन का मतलब यह भी है कि स्लिपरी ग्राउंड जहां आदमी अनोइंगली अन इंटेंशनली स्लिप हो जाता है जन्नत में टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने रखा और वो टेस्ट यही था कि इंसान निस्यान का शिकार हो जाता है खुदा के अहकाम को भूल जाता है और शैतान फिसला देता है बहका देता है यह टेस्ट जब पूरा हुआ तो आदम हव्वा से भी कहा कि जाओ जमीन में और शैतान को भी दुनिया में भेज दिया गया मगर जाते जाते अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा फाइमातीदन पमन तब या हुदाया फला खौफन अल्मन देखो तुम्हारी रहनुमाई के लिए नौ बशर नौ इंसानी की रहनुमाई के लिए मैं बार बार दुनिया में हिदायत भेजता रहूंगा जो उनके इतबा करेंगे उनके लिए कोई खौफ और रंज का मौका नहीं है खुवातिन हजरा यह पूरा वाक्य अल्लाह ने तुकू नंबर चार में बयान किया ह्यूमन नेचर को हम समझेंगे उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इमाम राजी रहमतल्ला ने अपनी किताब में यह बताया कि पहले से तीन किस्म की मखलूक़ात पाई जाती थी आदम को जब पैदा किया तो ये चौथी कैटेगरी की मखलूक है पहली जो तीन कैटेगरी की मखलूक़ात पाई जाती थी उनको उन्होंने चार मार्कर इश्यूज़ पर बयान किया है नंबर एक ये है कि अल्लाह ऐसी मखलूक को बनाया जिसे इंटेलेक्ट भी दिया विजडम भी दिया जिसे नेचर नहीं दिया जिसे लिबिडो और एपेटाइट नहीं दिया यानी यह है कि इल्म और हिकमत से नवाजा लेकिन उन्हें तबीयत नहीं दी जिसम नहीं दिया नेचर का मतलब जिसम का होना भूख और प्यास का लगना बोलो बराज का होना नींद का आना ये सब नेचर है तो ये नेचर उन्हें नहीं, नहीं मिला और शहवत शिकम और शहवत फ़र्ज ये दोनों नहीं मिले तो इस तरह से ये पहली कैटेगरी है और हमें मालूम है कि ये फरिश्ते हैं जिन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा गया लेकिन शहवत शिकम शहवत फ़र्ज जिसमानी तकाज़े और गैज़ व गजब इन सब चीज़ों से वह आरी और पाक साफ हैं वो अल्लाह ताली के हजूर में हमेशा इबादत में रहते हैं कुरान ने कहा असून अल्लाह युमरून फरिश्ते वो होते हैं जो मासीत नहीं करते खुदा की नाफरमानी नहीं करते जिस बात का हुक्म दिया गया है वो कर गुजरते हैं दूसरी कैटेगरी है जिन्हें अल्लाह इंटेलेक्ट भी नहीं दिया विजडम भी नहीं दिया अलबत् उन्हें नेचर दिया और उन्हें लिबिडो और दिया और हमें मालूम है कि ये जानवर हैं जानवरों को अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत नहीं दी मगर उन्हें तबीयत और गैज़ गज़ब और शहवत शिकम और शहवत फर्ज से नवाजा कुरान ने उनके बारे में कहा यह तमत तऊना वूना कमा तुल जो लोग अल्लाह ताला की हिदायत को तस्लीम नहीं करते उनके बारे में कहा कि दुनिया में वो चरते चुगते ही जानवरों की तरह जानवरों की दो सिफात का जिक्र क्या है या तमत तमत्तो करना जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना और वया क़लून खाते हैं ये जानवरों की सिफात है एक और जगह कहा लहुम क़लूबल्लाफ़हून नबी हा वहु आयून उल्लासर अबी हा वहु अदानुल्ल यमा नबी आमी का कला नामी बलहम अगल इंसान का इम्तियाज यह है कि वो समात से हक़ को सुने वो बसारत से हक़ को दरियाफ्त करे और अल्लाह ने जो दिल उसे दिया है उससे समझ बूझ का काम ले जो लोग इन तीनों फैकल्टीज का इस्तेमाल नहीं करते कुरान ने कहा कि वो जानवर हैं बल्कि जानवरों से ज़्यादा गए गुजरे हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने जानवरों को ये सिफत ही नहीं दी तो दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी इमाम राजी ने यह बयान किया है वो ये कि ना इंटेलेक्ट है ना विजडम है और ना उन्हें नेचर है ना एपेटाइट और लिबिडो है और हमें मालूम है कि वो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन्स हैं जो नबाता हैं जमादात हैं वो हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया है मगर वो हस नहीं रखते हमें नहीं मालूम है कि उन्हें हस है कि नहीं है लेकिन वो इंसानों के काम आते हैं पहाड़ों को तोड़कर लोग पत्थर निकालते और घर बना लेते हैं दरख्तों को काट कर अपने इस्तेमाल में ले आते हैं जानवर चर चुग लेते हैं इंसान उन्हें खा लेता है नबातुल्ज मुम्मा या अकुलनासुलाम जिसे इंसान और जानवर चर चुग लें वो दरख्त और पौधे होते हैं चौथी कैटेगरी वो जिसे इंटेलेक्ट भी दिया विजडम भी दिया लेकिन इंटेलेक्ट और विजडम नॉलेज ड्राइवन है इल्म से नवाजा और अल्लाह ताला जिस्म भी अता किया तबीयत भी अता की नेचर भी अता किया शहवत शिकम और शहवत फ़र्ज और गजब सब कुछ नवाजा और इसी में इंसान की आज़माइश है इंसान को अल्लाह ताला ने आदम वम आदमा हा इल्म से नवाजा और दूसरी तरफ उसकी आज़माइश है व नफ्स व ममा फम हा फजूर हा व तकवा उसके नफ्स को ऐसे डिज़ाइन किया कि जिसके अंदर तकवा भी शामिल है और फजूर का हिस्सा भी है दोनों इस्तेदाद दोनों के पोटेंशियल्स देकर अल्लाह दुनिया में भेजा ये इमाम राजी के कैटेगराइजेशन को मैंने आपके सामने पेश किया अब हम आते हैं खलीफा को समझने के लिए ह्यूमन नेचर को समझने के लिए और ह्यूमन बीइंग का जो स्टेटस है इस दुनिया में उसे समझने के लिए लफ्ज़ खलीफ़ा के हवाले से कई मफहम मुफसरन ने बयान किए हैं एक मफहूम तो ये बयान करते हैं कि वो जानशीन है और किसका जानशीन है वो बताते हैं कि इससे पहले ज़मीन में जिन्नात आबाद थे वो ज़्यादा अदम मचाते थे फसाद उन्होंने मचा दिया तो उन्हें अल्लाह ताला ने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह इंसानों को बसाया लेकिन इसके सिलसिले में कुरान में कोई वाज रहनुमाई नहीं मिलती इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक़ को दुनिया से हटाया और इंसानों को वहाँ ला बसाया तो ये ज़रूरी था ये बताया जाता कि उन्होंने क्या ऐसे बुरे कारनामे अंजाम दिए जिसके नतीजे में दुनिया से उन्हें मिटा दिया गया और उनकी जगह इंसानों को लाकर बसाया गया इस रहन के बगैर इंसान भी वही काम करेगा जो जिन्नात करते थे इसलिए ये मफहूम ज़्यादा दिल लगता मफहम नहीं है उसके बाद दूसरा मफूम लोग ये बयान करते हैं कि वह अल्लाह का जानशीन है यानी वो वाइस जर है वाइस रॉय है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है लेकिन ये माना भी इससे ज्यादा मजबूत और दिल लगता माना नहीं है वो ये है कि अगर खुदा का जानशीन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है तो गॉड लाइक होना जरूरी होता है लेकिन इंसान की जो सिफात हैं उसमें फितना और फसाद है जिस पर अल्लाह ताला ने सरा फरमाया है और अल्लाह ताला की अजीम हस्ती उसकी तस्वीर और तखदीस के शायन निशान ये बात नहीं लगती कि अल्लाह का नुमाइंदा इंसान बनकर दुनिया में आ जाए तीसरा माना यह लिया जाता है कि वह जमीन का सरदार है तमाम मखलूक़ का ये एक वेस्टर्न नोशन है चौथा माना यह है कि इनहेरिटर्स ऑफ अर्थ ज़मीन के आबाद कार ज़मीन के वारिसीन ये एक चौथा मफहम है लेकिन पांचवा मफहोम जिसे हम बयान करेंगे वो है कि ह्यूमन अथॉरिटी को अल्लाह ताला ने दुनिया में इस्टबलिश किया और ये अथॉरिटी ऐसी है, है कि बाज़ उसूलों की बुनियाद पर अल्लाह ताला कौमों को ग्रुप्स को मौका देता है दुनिया में हुक्मरानी का और अगर उन्होंने उन बातों का लिहाज नहीं रखा तो अल्लाह ताली उन्हें हटा एक दूसरे ग्रुप को लाता है उन्हें डिस्प्लेस करके एक दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करता है ये सक्सेशन ऑफ ह्यूमन अथॉरिटी है यानी इंसान जानशीन बनता है इंसानों का जो बुरे इंसान हो या दुनिया में फितना फसाद बरपा करते हो, या खुदाई अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी का निज़ाम ना चलाते हो, या दुनिया के लिए नाफ़े ना हो, तो अल्लाह ताला इस तरह के ग्रुप्स को रिप्लेस कर देता है ज़्यादा बेहतर ओबीडेंट लोगों से या बेनिफिशियल ग्रुप से अल्लाह ताला रिप्लेस करते रहता है ये खलीफा का मफहूम है इस पर आप देखिए कि कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खलीफ़ा का लफ्ज़ ये छः मुकाम पर इस्तेमाल हुआ है अगर इस पर आप निगाह डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह मफहूम जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये मेरा अपना ईजाद करदा मफहम नहीं है बल्कि क़ुरान के मुस्तमाल को पेश नज़र रख कर ये माना बाज़ इंटलेक्चुअल्स ने और बाज़ स्कॉलर्स ने ड्राइव किया है छः मुकाम में से पहला मुकाम है यही वो जिस पर हम बात कर रहे हैं इन्नी जाइल अर्ज खलीफ़ा यान ज़मीन में मैं खलीफा भेजने वाला हूँ इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन में एक नया क्रिएचर एक नई मखलूक को दुनिया को आबाद करने वाली मखलूक़ को मैं भेज रहा हूँ उसका नेचर क्या है उसका स्टेटस क्या होगा कुरान में और पाँच मकाम में वो बात आई है एक और जगह कहा वहूल जाल खलाफल अर्ज वरफा बाज़ इन दरजातु कुम फीमा आताकुम अब आप इस आयत के अंदर जाकर गौर से देखिए कहा कि वही परवर है जो तुम्हें जमीन में खलीफा बनाता है और बास को बास पर दर्जात अदा करता है और क्यों दर्जा अता करता है क्यों मुकाम अता करता है लिये बुल्लु कुम्फी मा आता तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश मकसूद है आजमाने के लिए अल्लाह ताला तुम्हें दर्जात की बुलंदी अता करता है तुम्हें खलीफा बनाता है किसी को इल्म से नवाजता है किसी कौम को दौलत से नवाजता है किसी और कौम को किसी और सिफत से नवाजता है और देखा जाता है कि वह दुनिया के लिए नाफ़े बनते हैं या मुजिर बनते हैं और अगर वो मुजिर बनते ही तो अल्लाह ताला रिप्लेस कर देता है चेंज कर देता है उनकी जगह दूसरी कौम को लेकर आता है तो यहां आप देखते हैं सक्सेशन का माना है एक ग्रुप का सक्सेसर दूसरा ग्रुप है एक ग्रुप का जानशीन दूसरा ग्रुप होता है तीसरी जगह कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको देख लीजिए खाला असा वह यहखलिफा कुम्फिल बनी इसराइल से कहा गया कि जहां तुम जिंदगी बसर करते थे वहां फ्रौन का दबदबा था कॉप्टिक्स की रूलिंग थी मगर जब उन्होंने जुल्म किया, उद्वान किया तो अल्लाह तला ने गर्क कर दिया फिराउन को और फिर दुनिया में इमामत का मुकाम दुनिया में ऊंचा मुकाम बनी इसराइल को अदा किया और उनकी शानदार तारीख दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हम देख सकते हैं कहा कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाएगा और इसलिए बनाएगा अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम कैसे अमल करते हो चौथा जो मुकाम है वो है दिले मुस्तर की दुआ कौन सुनता है दिले बेकरार की दुआ कौन सुनता है और कौन है जो तुम्हारी तकलीफ को हटाकर तुम्हारी तकलीफ को दूर करके तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है यानी यह कि किसी कौम की बुराई को दूर करके किसी कौम की तकलीफ को दूर करके फिर उन्हें जीने का मौका मिले फिर उन्हें रूज नसीब हो जाए तो यह भी खिलाफत फिल अर्ज है उसके बाद पाँचवें मुकाम पर अल्लाह तरमाया नबी सली वसलम के ज़माने के अहल खुराइ को एड्रेस करके कहा कि जमीन में पहली मरतबा नहीं है जो तुमको खिलाफत मिली है तुम सरदार हो अरब के इलाके में तुम्हारी चौदराहट चलती है याद रखो कि इससे पिछली कौमों को हटाकर अल्लाह तला ने तुम्हें यह मौका दिया और अगर तुमने सही रवैया इख्तियार नहीं किया तो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को जमीन की खिलाफत अता करेगा जमीन की जान चीनी अता करेगा सक्सेसर्स वो बनेंगे और आखिर में छठी जगह आप देखिए याद उद इज का खलीफ फिल अर्ज ऐ दाउद हमने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया है हक, वला तत्तबिल हवा। कहा कि लोगों के दरमियान आदल की बुनियाद पर हुकूमत करना उनके दरमियान रूल करना और ख्वाहिश नफ्स की इतबा न हो तो आपने देखा कि छः आयतों में से पहली आयत में कहा कि हम जमीन को आबाद करने के लिए एक नई मखलूक भेज रहे हैं और आखिर में खलीफा का मफ़ूम निकला है कि रूलर ऑफ़ द अर्थ और उसके लिए बुनियाद है कि अल्लाह ताला के भेजे हुए कवानीन की बुनियाद पर इंसाफ दुनिया में कायम किया जाए और ख़्वाहिशा नफ्स के इतबा न हो और बीच में जो चार आयतें मैंने पेश की हैं उनमें सक्सेसर का माना निकलता है एक ग्रुप का सक्सेसर दूसरा ग्रुप एक कम्युनिटी का सक्सेसर दूसरी कम्यूनिटी एक फ़र्द का जानशीन दूसरा फ़र्द एक खानदान का जानशी दूसरा ख़ानदान बनता है खलीफा के मफहूम में ये सारी बात पिनहा हैं अगर आप गौर से इन आयतों का मुताला करें तो इन बातें रोज रोशन की तरह आपके सामने आ सकती है। हैं कुरानी को मैंने आपके सामने पेश किया अब हम देखते हैं कि इंसान का नेचर क्या है इंसान की हैसियत क्या है पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने उसे एहतमाम के साथ पैदा किया और एक बड़े मकसद के लिए उसे दुनिया में भेजा और वो एक स्पेशल क्रिएचर है दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़मीन ही के लिए पैदा किया यह क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है कि इंसान बॉन्ड सिन्नर है और गुनाह की पादाश में बतौर सज़ा उसे दुनिया में भेजा गया नहीं हमें दुनिया ही के लिए बनाया गया और दुनिया ही में हमारी आजमाइश है और ये आजमाइश है कि खैर शर की इस कश्मकश में खैर गालिब आए और ईविल दूर हो जाए यही एक कश्मकश है यही एक सक्सेशन है गुड एंड ईविल का कि गुड ऊपर आए और ईविल जो है वो पीछे चला जाए ये कश्मकश दुनिया में जारी रहती है अल्लाह इंसानों को इंटेलिजेंट बीइंग बनाया जहानत से नवाजा इल्म से नवाजा और उसके अंदर दोनों खसूसियात रखी एक एंजेलिक इंस्पायरेशन रखा और एक सटानिक टेम्पटेशन रखा यानी यह है कि उसके अंदर मलकूती सिफात को भी अल्लाह ताला ने रखा और शैतान आकर उकसाए ये कुदरत शैतान को दी और इंसान को वो उकसाता है और इंसान ग़लत राहों पर चल सकता है और इंसान का असल इशू है वो एक मॉरल प्रॉब्लम है क्योंकि वो मॉरल बीइंग है तो हमेशा से हर आन वो मॉरल डिसीजन लेता है अखलाकी फैसले लेता है तो उसमें एंजेलिक इंस्पिरेशन भी शामिल है या सैतानिक टेम्पटेशन भी हो सकता है मिसाल के तौर पर बहुत से मरतबा लोग फोन करके पूछते हैं कि अमीन साहब जो पेट में बच्चा है उसके अंदर फलां डिफेक्ट है फलां प्रॉब्लम है क्या हम एवॉड कर सकते हैं यह क्वेश्चन खुद बताता है कि इंसान एक डेलम्मा का शिकार है वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है एक तरफ उसके अंदर जो मतलब सी बात है उसका ख्याल ये है कि इंसान के बच्चे को रहनत दिया जाए और दूसरी तरफ शैतानी वसवसा ये आता है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए एक हैसियत ये भी है एक हैसियत यह है कि इंसानों में से बाबली डिस्ट्रक्टिव होते हैं बहुत ही तबाह कुन इंसानियत के लिए साबित होते हैं और बाज़ लोग होते हैं ट्रेमेंडसली काइंड एंड गुड होते हैं जैसे अम्बिया करामलात वाम या कुरान ने और भी बहुत से कैरेक्टर्स हमारे सामने पेश किए अल्लाह ताला इंसानों को दुनिया में भेजा तो फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर भेजा मर्जी और आज़ादी और इख्तियार देकर भेजा चाहे तो अल्लाह ताली की इतात करें और चाहे तो वह शैतान के रास्ते पर चलें और आखिर बात यह है कि गॉड नोज़ एर, खुदा को मालूम है कि इंसान गलती करता है लेकिन यह है कि टू रिपेंट इज ऑल्सो ह्यूमन तोहबा करना खुदा की तरफ लौट आना यह इंसानी सिफत है और अपनी गलती पर अड़ जाना यह शैतानी सिफत है जैसा कि शैतान हजरत आदम को उसने सजदा नहीं किया और अपनी गलती पर अड़ गया तो इससे मालूम हुआ कि इंसान की खूबी यह है कि वह तोबा करके खुदा की बारगाह में लौट कर आ सकता है खातिन इस लेक्चर के अख्ताम पर मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि हम दो दुनिया में जीते हैं एक हमारे अतराफ आउटर वर्ल्ड है और एक हमारा इन्नर वर्ल्ड है एक माइक्रोकॉसमोस है एक माइक्रोकॉस्मॉस है बाहर की दुनिया को हम देखें तो वहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ हैं वहाँ मिट्टी है वहाँ पानी है वहाँ जंगलात हैं वैसे ही अंदरून की दुनिया में देखें तो हड्डियाँ मौजूद हैं मजल्स मौजूद हैं या खून का बहाव है या बाल उगाते हैं ये दो दुनिया में सिमिलरिटी आप देख सकते हैं फिर इसी तरह से बैरून की दुनिया में आप देखेंगे कि थंडर होता है तूफान आते हैं जलजले आते हैं या समंदर में डिप्रेशन क्रिएट होता है सुनामी आती है ब्रीज चलते हैं मार्शी लैंड्स होते हैं ये सब बैरून की दुनिया में हम देखते हैं और इसका मुतबाद आप अंदरून की दुनिया में भी देख सकते हैं कि इंसान के अंदर एंगर है जो थंडर और स्टाम के बराबर है और इंसान के अंदर वायलेंस है राइट्स वो करता है या कभी जैसे समंदर में डिप्रेशन आता है वैसे वो मघमूम हो जाता है सैडनेस का शिकार हो जाता है इंसान हेट करता है नफरत करता है ब्रीज़ जैसे चलती है, वैसे इंसान मोहब्बत करता है ग्रीड हिरस हवस का भी वो शिकार हो जाता है तो बैरून की दुनिया के एलिमेंट्स अंदरून की दुनिया में भी हम देख सकते हैं इसी तरह से बैरून की दुनिया में हम डिक्टेटर्स को देखते हैं और सेंट्स को देखते हैं दोनों होते हैं इसी तरह से अंदर की दुनिया में आप नफ्स अमारा और नफस लवामा दोनों को देख सकते हैं बैरून की दुनिया में जो कवानी पाए जाते हैं उन्हें हज़ारों साल में दरियाफ्त किया जाता है अंदरून की दुनिया में जो कवानीन पाए जाते हैं, है। हैं इंसान उसे अपने लाइफ स्पैन के अंदर फाइंड आउट कर सकता है बैरून की दुनिया में जो लॉज ऑफ़ नेचर हैं उन्हें समझने और समझाने के लिए साइंटिस्ट आते रहे और अंदर में जो इंसानी फितरत के अंदर जो कवानीन हैं उसे समझाने के लिए अम्बिया करामलातम आते रहे और यह हमें मालूम हो कि बैरून की दुनिया में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर होता है और हमारे अंदरून की दुनिया में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट बैरून की दुनिया में होता है बाहर कोई शर होता है तो उससे हम मुतासर होते हैं या हमारे मिजाज के अंदर कोई खैर आता है तो हम दुनिया को उस खैर से नवाजना चाहते हैं साइकोलॉजी में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इंसान के सिर्फ एक्सटीरियर को देखते हैं जबकि कुरान हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एस्पेक्ट से मुतारफ़ कराता है ख़वातिन हजरा इस लेक्चर के अख्ताम पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब दो दुनिया हैं और दोनों एंटैंगल्ड हैं दोनों इंटर हैं एक्सटर्नल दुनिया का इंपैक्ट इंटरनल दुनिया में होता है इंटरनल दुनिया का इंपैक्ट एक्सटर्नल दुनिया में होता है ये दोनों साथ बसात चलते हैं कुरान इसलिए आया कि इंसान अंदरून से वो नेक बने वो मुतकी बने और उसके तक्वे का इंपैक्ट ये है कि दुनिया में वो जस्टिस कायम करें और अगर अंदर से वो पसंद होता है तो दुनिया में नफ़रत तसुब और फसादात और जुल्म और उदवान करने लगता है इस एंटैंगमेंट को समझते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में हम पूरे कुरान का मताला इसी सस्त से करें कि हम अपने इनर वर्ल्ड को भी चेंज कर सकें और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी चेंज कर सकें यह हमारा मौजू है यह हमारा असल नुक़ नज़र है जो इस पूरे रमज़ान में इनशाला आपके सामने पेश करते रहेंगे अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह हमें इन आयतों को कमा हक़ समझने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ल रबालमीन